नमस्कार दोस्तों, आज अपन करेंगे जो साइकोलॉजी में पीछे आए हुए जितने भी एग्ज़ाम हैं उनमें आए हुए क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे, जो कि आपको हर एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चाहे सी टेट हो, चाहे आरपीएससी का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे एच टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बी टेट हो, चाहे अपने ये यूपी टेट हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को ज़रूर देखें ताकि आपको पता चले कि कैसे क्वेश्चन आते हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है दोस्तों अपने वृद्धि एवं विकास, इसके कई वीडियो बनेंगे, तो आज पहला वीडियो अपन शुरू कर रहे हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है? तो ऑप्शन बोलता हूँ मैं, परिपक्वता विकास, परिपक्वता तथा अनुभव के बीच की अन्योन्य क्रिया की वजह से घटित होता है। दूसरा है विकास, प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकता है। तीसरा है अनुभव, विकास का एकमात्र निर्धारक है। चौथा है विकास, प्रबलन तथा दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। तो दोस्तों, अपन को पता ही है नीचे वाले तीन तो हो ही नहीं सकते, तो इसका ऑप्शन ए राइट होगा। नेक्स्ट है, स्किनर के अनुसार शिक्षार्थी का विकास है। ऑप्शन एक है सतत प्रक्रिया, बी है क्रमिक प्रक्रिया, सी है द्रुतगामी प्रक्रिया और चार है सतत और क्रमिक प्रक्रिया। तो दोस्तों, ये तीनों ऊपर वाले नहीं है, चौथा होगा, क्योंकि विकास है वो सतत और क्रमिक प्रक्रिया, यानी लगातार चलता रहता है और एक क्रम के अनुसार होता है। क्रम के अनुसार होने का मतलब कि जैसे यूँ मान कर चलो कि पहले बच्चे के अंदर, जैसे छोटा बच्चा होता है तो उसमें मानसिक विकास तीव्र गति से होता है, लेकिन शारीरिक विकास है वो मंद गति से होता है। लेकिन बाद में जैसे बाल्यावस्था आती है उसमें बालक में शारीरिक विकास है वो तीव्र गति से होता है, लेकिन मानसिक विकास है वो अपन बोलते हैं कि जो शेष अवस्था उसमें जितना होना होता है उतना हो जाता है। तो विकास एक निश्चित क्रम में होता है और सतत यानी लगातार होता रहता है। यहाँ मैं एक बात और बता दूँ, चलो आगे बताऊँगा मैं आपको कि अभिवृद्धि और विकास में क्या फ़र्क है, वो बताना चाहता था, आगे बता दूंगा। नेक्स्ट है, बच्चों का किस प्रकार का विकास विद्यालय और शिक्षक द्वारा प्रभावित होता है? ऑप्शन ए मानसिक, बी सामाजिक, सी स्वेगात्मक और डी है ये सभी। तो दोस्तों, विद्यालय और शिक्षक द्वारा बालक का सभी तरह के विकास है वो प्रभावित होते हैं, चाहे वो मानसिक विकास हो, चाहे सामाजिक हो, चाहे स्वेगात्मक हो। इन सभी विकास के जो ये आयाम है इनमें शिक्षक और विद्यालय का अहम रोल होता है। नेक्स्ट है, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, बालक के मानसिक व सामाजिक विकास के लिए। तो दोस्तों, अभिवृद्धि यानी ग्रोथ, वृद्धि, ये सिर्फ शारीरिक विकास के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं आपको बता देता हूँ जो वृद्धि और विकास है उसमें थोड़ा अंतर बता देता हूँ। दोस्तों, ये अभिवृद्धि, ग्रोथ, वृद्धि एक ही शब्द है। दोस्तों, ये होती है एक निश्चित समय अवधि तक, यानी ये 20 वर्ष की आयु के बाद रुक जाती है, 20 वर्ष की आयु तक ही होती है। लेकिन विकास है वो सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, ये अंतर समझ लेना। जो अभिवृद्धि है ये विकास का एक पार्ट है, ना कि ये विकास इसका पार्ट है, याद रखना। अभिवृद्धि विकास का एक पार्ट है जो एक निश्चित समय अवधि तक चलता है और एक निश्चित समय अवधि पर रुक जाता है। दूसरा इनमें अंतर बता दूँ, अभिवृद्धि है इसको देखा जा सकता है, मापा जा सकता है, यानी यूँ मान के चलिए एक बच्चे की हाइट है 5 फुट है तो हमें दिखाई दे रही है, मापा भी जा सकता है, यानी उसमें कितना वजन है, कितना वो दुबला पतला है, इसे मापा जा सकता है। लेकिन विकास है वो एक आंतरिक प्रक्रिया है जिसे देखा नहीं जा सकता, जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, ये थोड़ा इनमें फ़र्क है। नेक्स्ट है, बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए वंशानुक्रम, बी वातावरण, सी परिवार और डी है वंशानुक्रम व वातावरण दोनों। तो दोस्तों, बालक का शारीरिक वृद्धि और विकास इसको वातावरण और वंशानुक्रम दोनों प्रभावित करते हैं। कैसे कहते हैं मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, इसके ऊपर एक प्रयोग हो चुका है दोस्तों, बुद्धि से संबंधित भी प्रयोग हो चुके हैं और वृद्धि और विकास इनसे संबंधित भी प्रयोग हो चुके हैं। यदि बालक को अच्छा वातावरण मिलेगा तो उसकी वृद्धि और विकास इन दोनों में थोड़ा उसमें अंतर आएगा, लेकिन ज़्यादातर अंतर है वो वंशानुक्रम का पड़ता है, इस पर प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है, यानी जैसे माता पिता होंगे, जैसे दादा दादी होंगे, वैसे ही बालक के 70% होने के चांसेस रहते हैं, 30% बालक के विकास और वृद्धि पर वातावरण का प्रभाव पड़ता है। अब चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, विशिष्ट सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है? इसमें विशिष्ट से सामान्य प्रतिक्रिया तक बढ़ने का सिद्धांत, ये विकास का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि जो विकास है वो तो सामान्य से विशिष्ट की ओर और ये जीवन पर्यंत तक चलता रहता है, तो ये तीन नंबर नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत भी है, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत भी है, एकीकरण का सिद्धांत भी है। नेक्स्ट है, निम्न में से वृद्धि और विकास के कौन से आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं? तो दोस्तों ये सभी आयाम एक दूसरे से जुड़े हैं, शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, स्वेगात्मक और नैतिक। नेक्स्ट है, बालक में शारीरिक परिवर्तन जिसे बहुत अधिक प्रभावित करता है, ऑप्शन ए रुचियां, बी कार्य, सी व्यवहार, डी है इन सभी को। तो दोस्तों बालक में शारीरिक परिवर्तन है वो रुचियों को, कार्यों को, व्यवहार को, इन सभी को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, मानव विकास परिणाम है जैविक कारकों का, वंशानुगति तथा वातावरणीय कारकों का, सी है सामाजिक कारकों का, डी है अभिप्रेरक कारकों का। तो दोस्तों इसका आंसर होगा वंशानुगति एवं वातावरणीय कारकों का। दोस्तों ये सारे जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आए हुए हैं और आपके भी आ सकते हैं, या इनसे संबंधित या इनके जैसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है। तो दोस्तों ये पूछ रहा है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए पहला मैं पढ़ता हूँ, विकास की प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा है, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता, ये गलत बात है दोस्तों, उद्दीपन से तो विकास को बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट है, विकास सांस्कृतिक परिवर्तन से प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है, विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल होती है। तो दो नंबर है, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा नहीं मिलता है, ये गलत है दोस्तों, यानी असत्य है, ठीक है, उद्दीपन से विकास को बढ़ावा मिलता है, ठीक है, ये सही होगा, तो दो नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? निरंतरता, दो नंबर है विलोमीयता या उत्क्रमणीयता, तीन है क्रमिकता, सी है सामान्य से विशिष्ट, चार है सामान्य से विशिष्ट। तो दोस्तों इसका दो हो जाएगा, विलोमीयता या उत्क्रमणीयता विकास का सिद्धांत नहीं है, निरंतरता का सिद्धांत भी है, क्रमिकता का सिद्धांत भी है, और विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी विकास का सिद्धांत है। दोस्तों पीछे एक आया था ये देखिए अपने, कि विशिष्ट से सामान्य ये विकास का सिद्धांत नहीं है, आपको पता चल गया, विकास का सिद्धांत सामान्य से विशिष्ट की ओर है, ये देखिए सामान्य से विशिष्ट। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन नहीं होता है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, वृद्धि के साथ विकास भी होता है। तो देखिए दोस्तों पहला ही गलत है इसमें, वृद्धि और विकास पर्यायवाची है, मैंने पीछे आपको समझा दिया था, वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग है, वृद्धि एक निश्चित समय अवधि तक होती है जबकि विकास जीवन पर्यंत होता है, वृद्धि को देखा हुआ मापा जा सकता है लेकिन विकास को देखा हुआ मापा नहीं जा सकता है, वृद्धि है वो विकास का एक अंग है न कि विकास वृद्धि का, ठीक है, तो विकास और वृद्धि एक दूसरे के पर्यायवाची तो हो ही नहीं सकते। नेक्स्ट है दो नंबर, ये एक नंबर हो गया अपना, ये एक नंबर इसका गलत है ऑप्शन, वृद्धि में विकास पर्यायवाची है, ये गलत है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, बिल्कुल सही बात है, वृद्धि में मात्रात्मक परिवर्तन नहीं है, वृद्धि जीवन पर्यंत नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, 20 वर्ष के बाद रुक जाती है, वृद्धि के साथ विकास भी होता है, बिल्कुल सही बात है, विकास तो बालक जब गर्भावस्था में आता है उसी समय विकास शुरू हो जाता है और विकास जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। नेक्स्ट है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? यह परिपक्वता तक चलता है, यह सतत प्रक्रिया है, यह परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम है, यह जन्म पूर्व अवस्था में भी होता है। तो दोस्तों पहला है वो गलत है, यह परिपक्वता तक चलता है, नहीं, विकास तो जीवन पर्यंत तक चलता है। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के विकास के संबंध में क्या सही नहीं है? यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये ऐसे पूछ रहा है। तो दोस्तों तीन नंबर नहीं है, परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं, वृद्धि है उसके परिवर्तनों को देखा और मापा जा सकता है, लेकिन विकास है ये आंतरिक होता है, इसे देखा और मापा नहीं जा सकता, यह केवल महसूस किया जा सकता है। बाकी तीनों दोनों सही है, यह जन्म से मृत्यु तक जारी रहता है, बिल्कुल सही बात है, परिवर्तनों को, ये वृद्धि विकास का एक हिस्सा है, बिल्कुल सही बात है।
नेक्स्ट है विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है यह कथन है, तो दोस्तों ये जेम्स ड्रेवर का है, बाकी हरलोक मैकडूगल मुंद्रो इनका नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स ड्रेवर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में अब आगे के क्वेश्चन करेंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।